Dear students, welcome to the lecture series on electroanalytical techniques. And this is the part 4 where we will discuss about the voltammetry and polarography. तो प्यारे बच्चों आपका स्वागत है इस लेक्चर सीरीज में जहां पर हम इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस टेक्निक, देन हमने कूलोमेट्री डिस्कस किया, देन हमने TGA थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस डिस्कस किया और अब हम डिस्कस करने वाले हैं वोल्टामेट्री एंड पोलेरोग्राफी के बारे में. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि वोल्टामेट्री क्या है. ओके, सो व्हाट इज वोल्टामेट्री. तो वोल्टामेट्री इज एन एनालिटिकल टेक्निक वेयर we will study about the current that is generated by the analyte with respect to the variation in the potential. तो हम क्या करेंगे कि एनालाइट को डिटरमाइन कर सकते हैं हम बाय मेजरिंग द करंट. करंट को मेजर करेंगे जो कि एनालाइट प्रोड्यूस कर रहा है. जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बदलेंगे ऐसे ऐसे आप देखेंगे कि करंट जो है वो जनरेट करेगा एनालाइट और उसी को हम स्टडी करेंगे. तो इस स्टडी को यानी हम करंट को स्टडी करते हैं और इसको हम कहते हैं वोल्टामेट्री. जो डाटा हमें मिलेगा द डाटा ऑफ वोल्टामेट्री इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ प्लॉट. एक प्लॉट की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको वोल्टामोग्राम कहते हैं. और इस प्लॉट में क्या होगा करंट वर्सेस पोटेंशियल. करंट जो कि एनालाइट प्रोड्यूस करेगा और जो पोटेंशियल जो वर्किंग इलेक्ट्रोड का होगा उस दोनों के बीच में जो प्लॉट जनरेट होगा उसे हम कहते हैं वोल्टामोग्राम. वोल्टामेट्री में अगर हम देखेंगे तो तीन तरीके के इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं. एक इलेक्ट्रोड वर्किंग इलेक्ट्रोड जिस इलेक्ट्रोड की सरफेस पर क्या होगा रिएक्शन होगा. दूसरा जो इलेक्ट्रोड इससे जॉइंट है वो इलेक्ट्रोड कौन सा है रिफरेंस इलेक्ट्रोड. ये रिफरेंस इलेक्ट्रोड इस वर्किंग इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को पता लगाने में हेल्प करेगा. और जो तीसरा इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड काउंटर इलेक्ट्रोड है और ये जो इलेक्ट्रोड है आप देख सकते हैं ये करंट को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है. ये करंट को पूरा जो उसका जो रास्ता है जो करंट का जो बहाव है उसको बनाए रखने का काम करता है. तो जनरली कूलोमीट्री में भी आपने देखा था तीन तरीके के इलेक्ट्रोड्स जनरली यूज हो रहे थे. उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी तीन तरीके के इलेक्ट्रोड्स यूज होंगे. तो एक बार आपको और बता दूं कि ये जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है ओके यहाँ पर रिएक्शन होनी है. ये किससे जुड़ा हुआ है रेफरेंस इलेक्ट्रोड से जो बताएगा कि इस वर्किंग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है. और तीसरा इलेक्ट्रोड आप देखिए वो है काउंटर इलेक्ट्रोड ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड भी जिसे हम कहते हैं जो कि इस पाथ को कंप्लीट कर रहा है. ये जो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है ये बना हो सकता है किसका किसी भी मटेरियल का और ये सॉल्यूशन से रिएक्ट ना करे. बस एक ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. सो द ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड माइट बी मेड अप ऑफ एनीथिंग एज लॉन्ग एज इट डज नॉट रिएक्ट विद द एनालाइट सॉल्यूशन एंड कंडक्ट द करंट वेल. तो इसका काम केवल क्या है इसका काम है करंट को कंडक्ट करना. और दूसरा जो इसके लिए जो एक जो कंडीशन है वो है कि इस ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड के मटेरियल को एनालाइट सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करना है. और दूसरा क्या है कि इट शुड कंडक्ट करंट वेल. इसको जो है जो जो करंट पास होनी है वो उसको क्या करे उसको वो कंडक्ट करे मेंटेन करे करंट का फ्लो मेंटेन्ड रहे. तो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड का काम ये है. वर्किंग इलेक्ट्रोड का काम क्या है वहां पर वो रिएक्शन होगी. अगर वर्किंग इलेक्ट्रोड क्या हो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड यानी DME तो इस वोल्टामेट्री मेथड को हम कहते हैं पोलेरोग्राफी.
ओके तो अब ये वोल्टामेट्री मेथड ही है जिसमें कि हम वर्किंग इलेक्ट्रोड लेंगे ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। तो अगर ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड जो है वो एक वर्किंग इलेक्ट्रोड है देन दी मेथड इज नोन एज पोलेरोग्राफी। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोलेरोग्राफी। तो पोलेरोग्राफी जो मेथड था जो थ्योरी दी वो दी हेरोस्की ने। ओके हेरोस्की ने ये थ्योरी दी है और इस पोलेरोग्राफी को उन्होंने दिया 1922 में। और इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एनालाइट कैन बी स्टडीड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एक्चुअली यहां पर भी इलेक्ट्रोलिसिस होना है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक है। ओके अब यहां पर मेन जो इलेक्ट्रोड है वो दो मेन इलेक्ट्रोड है, एक है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। ओके ये ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड जो है वो वर्किंग इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करता है। ओके और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो है अनपोलराइजेबल इलेक्ट्रोड हैविंग लार्ज सरफेस एरिया। देखिए क्या है, एक तो है पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड, वो कौन सा है, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो अनपोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है जिसका सरफेस एरिया बहुत अधिक है और ये जनरली जो यूज किया जाता है वो मर्करी पूल होता है। तो जो पोलराइजेबल हम इसे क्यों कह रहे हैं, हम इसे पोलराइजेबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत कम है, स्मॉल सरफेस एरिया। और स्मॉल सरफेस एरिया जो इसका है उसकी वजह से यहाँ पर छोटा सा चेंज भी अगर होगा वोल्टेज में तो ये तुरंत रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन अनपोलराइजेबल इलेक्ट्रोड का मतलब है कि लार्ज सरफेस एरिया यहाँ पर है, यहाँ पर मर्करी पूल को हम एज एन अनपोलराइजेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। और अनपोलराइजेबल का मतलब है कि कोई भी पोटेंशियल चेंज हो जाए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दो इलेक्ट्रोड मेन है, आप याद रखिए, एक है पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड और एक है अनपोलराइजेबल इलेक्ट्रोड और नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। ओके और जब हम क्या होगा, जब इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो एक कर्व जेनरेट होता है, वो करंट जो कर्व है वो करंट वर्सेस पोटेंशियल के बीच में जेनरेट होगा। ओके तो इसको हम कहेंगे पोलेरोग्राम। ये जो जनरेट होके आएगा कर्व वो क्या कहलाएगा, पोलेरोग्राम। और एनालाइट को हम कैसे एनालाइज करते हैं, जो एनालाइट है उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन में लेना होगा, सुटेबल मीडियम में। ओके जिसमें वो डिसॉल्व हो जाए। और एक हम उसमें एक्सेस ऑफ दूसरा इलेक्ट्रोलाइट भी लेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। देखिए एक तो हमको एनालाइट लेना है, जैसे अगर मैं कोई मेटल आयन ले रही हूं तो वो मेटल आयन जिसका मुझे डिटेक्शन करना है उसको घुलना भी चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए। तो इसको एक सुटेबल मीडियम में उसको घुलना है। और कैसा सॉल्यूशन लेना ये इम्पोर्टेंट है, इट शुड बी अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होना है। ओके उसके साथ ही हमें एक और उसके साथ एक सॉल्यूशन लेना है जो कि एक्सेस में होगा, एक्सेस में होगा। और इस इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं या तो बेस इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है या ये कहलाता है सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, एक इलेक्ट्रोलाइट तो डाइल्यूट है मतलब वो एनालाइट है, जो एनालाइट है इट मे बी ऑर्गेनिक कंपाउंड इट मे बी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये डाइल्यूट होना है, सुटेबल मीडियम में हम इसको डिसॉल्व करेंगे। एक और उसमें हम ऐड करेंगे और वो कैसा होगा, वो एक्सेस में होगा। और वो उसको हम क्या कहते हैं, या तो बेस या फिर सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट उसे हम कहते हैं। और ये क्या करता है, जो सपोर्टिंग नाम ही उसका सपोर्टिंग है, तो ये सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन यानी एनालाइट का जो सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। जो करंट पोटेंशियल कर्व होता है जिसे हम पोलेरोग्राम भी कहते हैं, वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा, दैट विल गिव अस द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कंसंट्रेशन एंड नेचर ऑफ एनालाइट। ये क्या करेगा, करंट पोटेंशियल कर्व कंसंट्रेशन के बारे में जानकारी देगा हमें एनालाइट की और उसके नेचर के बारे में जानकारी देगा। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि जो पोलेरो
ग्राफ है, जो जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें दो मेन इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक होगा पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड जो कि जिसका सरफेस एरिया कम होगा, जो कि ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड होगा, दूसरा इलेक्ट्रोड होगा अनपोलराइजेबल इलेक्ट्रोड जो कि जिसका सरफेस एरिया अधिक होगा, मरकरी पूल वहां पर होगा, और तीसरी चीज हमें क्या लेनी है, एनालाइट। एनालाइट जिसे हमें एनालाइज करना है उसका कंसंट्रेशन कम हमें लेना है, और एक और इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसका कंसंट्रेशन एक्सेस में लेना है जो कि सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट होगा, और वो क्या करेगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा एनालाइट की, और ये जो हमें एक नया कर्व मिलेगा जो कि पोलेरोग्राम कहलाता है, ये हमें क्या देगा, पोटेंशियल करंट पोटेंशियल कर्व देगा, और ये क्या बताएगा हमें, कंसंट्रेशन एंड नेचर ऑफ एनालाइट के बारे में बताएगा। यहां पर आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ दिस पोलेरोग्राफी। पोलेरोग्राफी का इंस्ट्रूमेंटेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं और ये कहलाता है पोलेरोग्राफ। जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहलाता है पोलेरोग्राफ। ये देखिए यहाँ पर क्या है, रिजर्वायर फॉर मरकरी, और इसको हम कहते हैं ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड देखिए, इसके यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब है और इस कैपिलरी ट्यूब से ये मरकरी ड्रॉप बाय ड्रॉप इस सॉल्यूशन में ऐड होती है। ये क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरा इलेक्ट्रोड है मरकरी पूल। आप देख सकते हैं इस मरकरी पूल का सरफेस एरिया बहुत अधिक है, तो ये एक अनपोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है, और ये ड्रॉप्स की फॉर्म में जो मरकरी ऐड हो रही है यहाँ पर वो है स्मॉल सरफेस एरिया के साथ, इसलिए ये पोलराइजेबल है। बहुत छोटा सा भी अगर पोटेंशियल में कोई चेंज होगा तो यहाँ पर वो चेंज अफेक्ट करेगा, तो ये पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है। तो जो ड्रॉप आ रही है एक्चुअली वो इलेक्ट्रोड है, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड जो ड्रॉप आ रही है, तो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड है मरकरी पूल। अब मरकरी पूल और इस ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड के बीच में देखिए यहाँ पर क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन। जो रेड कलर के डॉट्स हैं वो है एनालाइट सॉल्यूशन, जो कि आपको डाइल्यूट दिख रहे हैं, आपको बहुत कम स्पॉट्स दिख रहे हैं रेड कलर के, एंड देन ब्लू कलर के जो स्पॉट्स हैं वो है सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के, क्योंकि सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन काफी अधिक होती है और जो एनालाइट की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होगी, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा एनालाइट का। ओके, यहाँ आप देखिए फॉर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट मे बी प्रेजेंट इन द एनालाइट सॉल्यूशन दैट कैन बी रिमूव्ड बाय पासिंग नाइट्रोजन गैस इनटू दिस सॉल्यूशन। तो नाइट्रोजन गैस को पास करके यहाँ पर अगर कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो उसको रिमूव किया जा सकता है। देन आप देख रहे हैं जो मरकरी पूल है, देखिए बैटरी से जुड़ा हुआ और बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से ये जुड़ा हुआ है, सो दिस मरकरी पूल विल एक्ट्स एज एनोड। और अगर आप देखेंगे तो ये जो नेगेटिव जो पोल है इस बैटरी का वो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड से अटैच्ड है, तो इसका मतलब ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह एक्ट करेगा, और जब ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो आप जानते हैं कि कैथोड पर क्या होता है, कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन की रिएक्शन। तो यानी ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड में जो ड्रॉप्स हैं वहां पर क्या रिएक्शन होगी, रिडक्शन की रिएक्शन होगी। ओके, और मरकरी पूल का सरफेस एरिया बहुत बड़ा है इसलिए यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो केवल एक ही रिएक्शन पॉसिबल है, जनरली जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है रिडक्शन, जो कि इस ड्रॉप की सरफेस पर होगी। ओके, तो एनालाइट क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। यहाँ आप देखिए गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है और पोटेंशियोमीटर अटैच्ड है। पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। ओके, अब इसकी अगर हम वर्किंग देखें कि कैसे इसमें वर्किंग होती है, तो ये देखिए यहाँ पर एक ड्रॉप दिखाई, ये जो ड्रॉप है ये ड्रॉप मैंने यहाँ पर दिखाई है, तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे करंट, जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो आप देखिए कि ये जो ड्रॉप है ये कैसी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि ये कैथोड है। ओके, अब इस कैथोड की ओर को यहां पर सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए KCl है। क्या है सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, हमने यहां पर KCl मान लिया। ओके, KCl में जो K+ आयन, अब देखिए सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट अधिक है, बहुत हाई कंसंट्रेशन में हमने ली है, और जो एनालाइट है वो हमने यहाँ पर कॉपर मान लिया, कॉपर के आयन्स वो बहुत कम है, तो क्या होगा, जैसे ही हम पोटेंशियल, जैसे ये ड्रॉप बननी शुरू हुई,
जब ये ड्रॉप बन रही है तो आप देखिए कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये कैथोड है और इसकी ओर को कौन अट्रैक्ट होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज जो ज्यादा अमाउंट में होंगे, जो पोटेशियम आयंस होंगे, दे विल मूव। देखिए पोटेशियम आयंस हैं, ये पहले मूव करेंगे टूवर्ड्स दी कैथोड। कैथोड जो मरकरी ड्रॉप जो बन रही है उसकी ओर को ये मूव करते हैं क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन हायर हमने ली है, तो ये मूव करेंगे। तो देखिए ये पॉजिटिव 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 इसके चारों ओर हो गया। तो आप देख सकते हैं एक नेगेटिव चार्ज की लेयर पहले से ही थी क्योंकि ये कैथोड था, अब इसके चारों ओर से एक पॉजिटिव की लेयर भी हो गई, तो ये डबल लेयर बन गई, नेगेटिव और पॉजिटिव की लेयर डबल लेयर। और इस डबल लेयर को कहते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। और ये डबल लेयर बन गई, अब जो डबल लेयर बन गई उसके बाद, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन है पोटेशियम का, और दूसरा आप देखेंगे जो पोटेशियम रिड्यूस नहीं होता, इसकी सरफेस पर आकर रिड्यूस नहीं होता है, तो ये अनरिड्यूस्ड स्पीसीज है, इसका रिडक्शन नहीं होगा और ये केवल एक डबल लेयर फॉर्म करेगी। और इसके डबल लेयर फॉर्म करने के बाद फिर कौन मूव करेगा, जो रेड कलर के जो हमारे जो एनालिटिकल सॉल्यूशन है वो मूव करेगा, और जब वो मूव करेगा तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो कंसंट्रेशन जैसी ड्रॉप बनने लगेगी, पूरी बन चुकी होगी, तो फिर कौन मूव करेंगे, कॉपर आयंस मूव करेंगे या जो भी एनालाइट के आयंस है वो मूव करेंगे, और वो मूव करेंगे तो उसकी सरफेस पर डिफ्यूजन के थ्रू दे एंटर थ्रू दिस डबल लेयर। ये डबल लेयर के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू एंटर करते हैं क्योंकि जो चार्ज है वो तो सेचुरेट हो गया। देखिए पॉजिटिव आयन तो जो है पहले से ही सेचुरेट हो चुके हैं चारों ओर से उसके, लेकिन अब क्या है कि अब ये कम जो कंसंट्रेशन में आयन है उनका डिफ्यूजन होता है अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर। यहाँ उनकी कंसंट्रेशन कम है क्योंकि इनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, सो दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ कैथोड, बट थ्रू डिफ्यूजन ये इसकी सरफेस पर जाएंगे और वहां पर इस आयन का क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि ये कैथोड है, तो यहाँ पर रिडक्शन होगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये ड्रॉप खत्म, यानी यहां पर क्या होगा, एक कॉपर में कन्वर्ट होगा, देन ये मरकरी इस कॉपर के साथ रिएक्ट करके अमलगम बना देगी, ओके, और उसके बाद ये ड्रॉप खत्म हो जाएगी, उसके बाद नई ड्रॉप आएगी, नई ड्रॉप में भी यही सब होगा। और इस तरीके से आप देखेंगे हर एक नई ड्रॉप जो है एक कैथोड की तरह एक्ट करेगी, और इसको हम कहते हैं रिन्यूएबल, रिन्यूएबल सोर्स है, रिन्यूएबल कैथोड है, नया कैथोड जनरेट हो रहा है हर बार, और यहाँ पर आप देख रहे हैं अमलगम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इसकी जो थ्योरी है कुछ इस तरीके से इसमें एक्ट होता है। और जब हम इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, उसका एक पोलेरोग्राम होगा, पोलेरोग्राम जो कि कर्व है बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल और करंट के बीच में जो कर्व आएगा वो है पोलेरोग्राम, इस तरीके का हमें मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे एक एस शेप का कर्व हमें मिलेगा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, तो ये एस शेप का जो कर्व है ये हमें मिलेगा जिसको हम पोलेरोग्राम कहते हैं। पहले हम इलेक्ट्रोड्स और कुछ इंस्ट्रूमेंटल पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे जो कि कैथोड की तरह एक्ट करता है। इसकी जो कैपिलरी है उसका इंटरनल डायमीटर लगभग 20 to 50 माइक्रोमीटर होता है, लगभग एक मिनट में 5 से 30 ड्रॉप्स बनती हैं मरकरी की, तो इतनी सारी नई ड्रॉप्स बनती रहती, देखिए एक मिनट में। और ये जो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है इसके लिए जो अप्लाइड पोटेंशियल की रेंज है वो 0.4 से -1.8 वोल्टेज है। और इसको अगर हम देखेंगे कि इसके क्या फायदे हैं, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड जिसे हम डीएमई भी कहते हैं, तो क्या है, ये टॉक्सिक इफेक्ट को रिमूव करता है। अगर कोई टॉक्सिसिटी हो सॉल्यूशन में तो ये टॉक्सिसिटी कम हो जाती है क्योंकि हर बार एक नई सरफेस जनरेट होती है, तो इस रिन्यूअल की वजह से, रिन्यूअल ऑफ सरफेस की वजह से टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है, जो और दूसरे इलेक्ट्रोड्स के केस में होता है वो यहाँ पर नहीं होता है। दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सरफेस होती है, जो इलेक्ट्रोड की सरफेस है वो स्मूथ है,
जिसकी वजह से स्क्रैचेस का कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रोड में हमें टेंशन हो जाता है कि थोड़ा सा भी हल्का सा भी खरोंच आ गई तो फिर वो इलेक्ट्रोड गया, यहाँ पर ये दिक्कत ही नहीं है क्योंकि बार बार एक नया इलेक्ट्रोड जनरेट हो रहा है। कोई मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है उसको, कुछ हमें बचाना नहीं है उस इलेक्ट्रोड को ज्यादा, ऑटोमेटिकली वो ड्रॉप वाइज आ रहा है सोल्यूशन में। और यहाँ पर जो मरकरी होती है उसका ओवर पोटेंशियल काफी हाई होता है हाइड्रोजन के लिए, तो इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को भी यहाँ पर एनालाइज किया जा सकता है। ओके, और हर ड्रॉप के लिए जो रेट ऑफ करंट होती है वो सेम होती है। ओके, और इसकी हेल्प से हम बहुत स्मॉल अमाउंट को भी मेजर कर सकते। अगर हम ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड के एडवांटेज देखें तो क्या क्या एडवांटेज हमने पढ़े, हमने पढ़ा रिमूवल ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट, ये टॉक्सिक इफेक्ट को रिमूव करेगा, स्मूथ सरफेस इसमें है तो स्क्रैचेस की दिक्कत नहीं है, मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं कोई भी, और इसका जो ओवर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है वो बहुत हाई है, सो एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो भी एनालाइज किए जा सकते हैं। रेट ऑफ करंट जो है वो सेम रहती है हर एक ड्रॉप के लिए, और जो वेरी स्मॉल अमाउंट एनालाइट का उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। Now, what is the main disadvantage of dropping mercury electrode? Dropping mercury electrode का main disadvantage क्या है? Capillary. Capillary है तो capillary की क्या दिक्कत है? It may be choked. अगर कोई impurity किसी वजह से आ गई तो फिर capillary चोक हो सकती है, सो ये एक बहुत स्पेशल इसका disadvantage है, बाकी आप देख सकते हैं main इसकी advantage ही advantage है। दूसरा जो इसका इलेक्ट्रोड है वो है मरकरी पोल, जो कि एनोड की तरह एक्ट करता है, और यहाँ पर क्योंकि सरफेस एरिया बहुत हाई है तो कोई चेंज भी, अगर कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होता है, इस सरफेस पर कोई भी चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको हम अनपोलराइजेबल इलेक्ट्रोड भी या नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। फिर हमारा जो तीसरा पार्ट इसका होगा वो होगा सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट जो कि बहुत हाई अमाउंट में लिया जाता है, इसे हम बेस इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, लगभग 100 टाइम्स अधिक होता है इसका कंसंट्रेशन एनालाइट के कंसंट्रेशन से। जनरली जो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज किए जाते हैं वो सॉल्ट्स होते हैं, NaCl के, KCl का, जो कि नॉन रिड्यूसेबल आयन्स हैं। ये आसानी से रिड्यूस नहीं होता है, तो आपने देखा था कि जो K+ आयन था वो K+ आयन की फॉर्म में ही मूव किया, वहां पर जाके वो रिड्यूस नहीं हुआ। ओके, और ये जो है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, रेजिड्यूअल करंट, उसको भी हम देखेंगे। सो दीज सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट आयन्स दे जनरेट्स रेजिड्यूअल करंट। चौथा पार्ट इसका जो है मेन पार्ट वो है एनालाइट। एनालाइट जिसको हम एनालाइज करने वाले हैं उसको हम कहते हैं एनालाइट। ये बहुत कम कंसंट्रेशन में होगा, हमने कहा था डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, लगभग 100 टाइम्स सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट से कम कंसंट्रेशन इसकी होगी। जैसे कैडमियम आयन है, लेड आयन है, जिंक आयन है, कॉपर आयन है, बिस्मिथ आयन है, ये रिड्यूसिंग आयन कहलाते हैं, मतलब ये कैथोड की सरफेस पर जाके रिड्यूस हो जाएंगे। जबकि आपने देखा जो Na+ है या K+ है जो कि सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करते हैं वो रिड्यूस नहीं होते कैथोड की सरफेस पे, लेकिन एनालाइट के आयन्स रिड्यूस हो जाएंगे। और ये जो आयन्स हैं ये क्या करेंगे, दे जनरेट दे कॉजेस डिफ्यूजन करंट, तो ये डिफ्यूजन करंट को जनरेट करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द पोलेरोग्राम। अब हम पोलेरोग्राम को डिस्कस करेंगे। जो पोलेरोग्राम हमें कर्व मिलता है इन बिटवीन करंट जो कि माइक्रो एम्पियर में ली जाती है और अप्लाइड पोटेंशियल जो कि वोल्ट में लिया जाता है, इनके बीच में जो कर्व जनरेट होके आता है ड्यूरिंग पोलेरोग्राफिक स्टडीज उसे हम कहते हैं पोलेरोग्राम। और ये पोलेरोग्राम में अगर आप देखेंगे, मैंने आपसे कहा था एस शेप्ड कर्व आता है, इस कर्व में कुछ टर्म्स हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से टर्म्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर एक तो आप देखेंगे ये कर्व में एक ऐसी करंट होगी जो कि बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रही होगी, इस करंट को हम कहते हैं रेजिड्यूअल करंट। फिर आपने देखा एकदम से करंट इंक्रीज होगी, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। और फिर आप देखेंगे लगभग ये करंट कांस्टेंट होगी, इसको कहते हैं लिमिटिंग करंट। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पोटेंशियल जहां पर हाफ एनालाइट जो है वो रिड्यूस हो चुका होता है, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं हाफ वेव पोटेंशियल।
और ये वो पोटेंशियल है जिसके बाद, जिसको हम डिकम्पोजिशन पोटेंशियल कहते हैं, एक्चुअली ये पोटेंशियल से ही जो एनालाइट है उसका रिडक्शन होना शुरू होता है, इसलिए जो करंट है वो एकदम से इंक्रीज होनी स्टार्ट होती है। तो जिस पॉइंट से आप देखेंगे कि करंट इंक्रीज होनी स्टार्ट हो रही है उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन पोटेंशियल। नाउ वी विल स्टडी द करंट्स वन बाय वन, हम एक के बाद एक करंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेसिड्यूअल करंट को। तो जो रेसिड्यूअल करंट है वो दो वजह से होती है, एक तो इम्प्योरिटीज की वजह से, तो अगर कहीं पर भी इस सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट में या एनालाइट में कुछ इम्प्योरिटीज होंगी तो उसकी वजह से थोड़ी सी करंट शुरू में होगी, तो उसको हम कहते हैं रेसिड्यूअल करंट। इसके साथ ही सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के आयंस, अगेन आई विल शो यू द वर्किंग ऑफ दिस पोलेरोग्राफी। नाउ अगेन आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन मूव करता है, जो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के आयन से वो मूव करते हैं, या फिर कौन मूव करेंगे अगर कुछ इम्प्योरिटी होंगी तो वो मूव करेगी। तो ये जो नॉन रिड्यूसिबल आयन्स का मूवमेंट है, इस मूवमेंट की वजह से जो करंट होगी उसे हम कहते हैं लिमिटिंग करंट, सॉरी उसे हम कहेंगे रेजिड्यूअल करंट। जो किसकी वजह से होगी, जो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन्स हैं वो मूव करेंगे तो उनकी वजह से जो करंट होगी वो क्या होगी, रेजिड्यूअल करंट, और जो कि बहुत कम होती है। तो आप देख सकते हैं ये रेजिड्यूअल करंट है, रेजिड्यूअल करंट जो कि इम्प्योरिटीज एंड सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन के मूवमेंट की वजह से होती है उसे हम कहते हैं रेजिड्यूअल करंट। तो मतलब अगर कोई रिड्यूसिबल आयन रिड्यूस ना हो, उसके रिड्यूस ना होने पर भी करंट पास होती है उसे हम कहते हैं रिड्यूसिबल करंट। ओके, दूसरी तरीके की करंट होती है माइग्रेशन करंट। और माइग्रेशन करंट क्यों जनरेट होती है, जनरली जो एनालाइट के आयन्स हैं वो दो तरीके से मूवमेंट करते हैं, एक तो माइग्रेशन हो सकता है उनका, दूसरा डिफ्यूजन हो सकता है। ओके, तो अगर माइग्रेशन होगा आयन्स का तो उस माइग्रेशन की वजह से जो करंट होती है उसे माइग्रेशन करंट कहते हैं, और जो आयन्स के डिफ्यूजन की वजह से जो करंट होती है उसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। ये माइग्रेशन जनरली क्या होता है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसको हम रिमूव क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं। तो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या होगा कि जो एनालाइट के आयन्स हैं उनका माइग्रेशन कम हो जाएगा। सबसे पहले कौन माइग्रेट करते हैं, जो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के आयन्स होते हैं वो मूव करते हैं, तो उस वजह से जो एनालाइट के आयन्स हैं वो माइग्रेट नहीं करेंगे, वो डिफ्यूज करते हैं। तो इसलिए माइग्रेशन करंट को हम एलिमिनेट करते हैं बाय एडिंग सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं करते सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, तो फिर एक और करंट होती जो कि माइग्रेशन करंट होती, उसके साथ एक डिफ्यूजन करंट भी होती, जिससे हमें इंटरफेरेंस होती हमारा एनालाइट की कंसंट्रेशन पता करने में। ओके, माइग्रेट तो क्योंकि सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के आयन्स भी होते हैं और दूसरा आयन भी माइग्रेट हो सकते हैं, तो आपने क्या किया कि इस एनालाइट का कंसंट्रेशन ही कम कर दिया। तो इसका कंसंट्रेशन कम कर देंगे तो जिसका कंसंट्रेशन अधिक है वो माइग्रेट करते हैं, तो ये सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट माइग्रेट कर जाएगा और एनालाइट आयन माइग्रेट नहीं करेंगे। इसलिए जो करंट होगी शुरू में वो रेजिड्यूअल करंट होगी और माइग्रेशन करंट हमने खत्म कर दी। डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से है, डिफ्यूजन करंट है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ एनालाइट आयंस। इसको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इल्कोविक इक्वेशन, और इल्कोविक इक्वेशन है ID=607N×C×T^2/3 and T^1/6। आईडी क्या है, डिफ्यूजन करंट। एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर आयन। ओके, यहाँ पर जो डिफ्यूजन करंट है वो मिली एम्पियर्स में है। Then C is the concentration of analyte in millimoles per liter. D क्या है, D है diffusion coefficient, okay, in centimeter square second inverse. M है mass of mercury in milligrams flowing per second. And T is the drop time in second. ये drop time है seconds में। तो ये हम इस ID को अगर हम देखें तो it is directly proportional to the concentration of the analyte. तो जितना अधिक concentration होगा
उतना अधिक डिफ्यूजन करंट होगा। तो अगर हम डिफ्यूजन करंट को मेजर कर रहे हैं तो हम आसानी से कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एनालाइट की। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो पोलरोग्राफी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बाय डिटरमाइनिंग द मेजरिंग द डिफ्यूजन करंट वी कैन इजिली कोरिलेट इट विद द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट। एनालाइट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम अगर किसी तरीके से डिफ्यूजन करंट मेजर कर ले तो हम कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। चौथी तरीके की जो करंट इसमें दिखती है वह लिमिटिंग करंट, और लिमिटिंग करंट किस वजह से दिखती है क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि जब सारे के सारे एनालाइट के आयन रिड्यूस हो जाएंगे उसके बाद भी कुछ करंट जो है कॉन्स्टेंट दिखाई देती है, उस करंट को हम कहते हैं लिमिटिंग करंट। अब हम देखेंगे हाफ वेव पोटेंशियल। हमने हाफ वेव पोटेंशियल की बात की थी। हाफ वेव पोटेंशियल क्या था? हाफ वेव पोटेंशियल था कि जब एनालाइट हाफ कंसंट्रेशन उसकी रिड्यूस हो जाएगी तो उस समय जो पोटेंशियल होगा उसको हम हाफ वेव पोटेंशियल कहते हैं, जिसको हम कर्व से भी देख सकते हैं। देखिए ई हाफ, तो हाफ वेव पोटेंशियल ये है। हाफ वेव पोटेंशियल को भी हम एक इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ई हाफ इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग आई डी माइनस आई अपॉन आई। यहां पर आप देखेंगे आई क्या है, एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल, आई डी इज द डिफ्यूजन करंट, एंड ई हाफ, एक्चुअली ई हाफ आप देख सकते हैं यहां पर कोई कंसंट्रेशन टर्म यूज नहीं हो रही है, एन इज द नंबर ऑफ चेंज इन द इलेक्ट्रॉन्स। आप देखिए यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, मतलब जो ई हाफ होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है ऑक्सीडेंट की। ये किस पर डिपेंड होता है? ये पीएच पर डिपेंड होता है, आयनिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, और सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है हाफ वेव पोटेंशियल। तो ये जो इक्वेशन है ये हेल्पफुल है, ये है हर्स्की एंड इल्कोविक इक्वेशन, और जो हेल्पफुल है इन डिटरमाइनिंग दी हाफ वेव पोटेंशियल। नाउ वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ पोलरोग्राफी। तो पोलरोग्राफी कितना इम्पोर्टेंट है आपने देख लिया, तो इसकी क्या एप्लीकेशन है? डिफरेंट फील्ड्स में इसकी एप्लीकेशन है। जैसे इसकी एप्लीकेशन है इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के विश्लेषण में ये हेल्पफुल है। तो इसकी हेल्प से हम कैटायंस एंड एनायंस को एस्टीमेट कर सकते हैं, जैसे जिंक और निकल को हम एस्टीमेट कर सकते हैं अगर हम सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट एल्कली हाइड्रोक्साइड लें। लेड को हम कर सकते हैं एनालाइज अमोनिया एंड अमोनियम नाइट्रेट बफर की प्रेजेंस में। एल्कली मेटल्स को मेजर कर सकते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हम एनायंस को भी एस्टीमेट कर सकते हैं, ब्रोमेट, डाइक्रोमेट, आयोडेट, नाइट्राइट, वेनेडेट, इनकी फॉर्म में। इनको भी हम क्या कर सकते हैं, पोलरोग्राफी की हेल्प से एनालाइज कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो मेटल कॉम्प्लेक्सेस के कंपोजिशन को भी पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलरोग्राफी। इसकी हेल्प से, पोलरोग्राफी की हेल्प से हम डिजॉल्व ऑक्सीजन को भी मेजर कर सकते हैं। तो रिडक्शन जो होता है ऑक्सीजन का वो रिकॉर्ड किया जाता है पोलरोग्राम के थ्रू, और ये जो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन मीटर्स की हेल्प से हम वाटर में ऑक्सीजन को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग पोलरोग्राफी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस कर सकते हैं हम पोलरोग्राफी की हेल्प से, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कंपाउंड प्रेजेंट है या नहीं है, क्वांटिटेटिव एस्टीमेशन कर सकते हैं मिक्सचर का कितना है अमाउंट। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरली हम क्या करेंगे, इसको हम क्योंकि एक्वस मीडियम में तो डिजोल्व नहीं होता है, नहीं यह अमलगम बनाएगा, तो ये क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट लेंगे और उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे एल्कोहल है, इथाइलिन डायमीन है, इसमें मिक्स करेंगे, तब हम इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिक्स करेंगे। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है जो कि रिड्यूस हो सकते हैं, कीटोनिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्कीन ग्रुप है, देन दीज आर द डिफरेंट ग्रुप्स विच कैन बी यूज टू विच कैन बी डिटरमाइंड बाई पोलरोग्राफी। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स भी एनालाइज किए जा सकते हैं फूड में विद द हेल्प ऑफ पोलरोग्राफी। फिर आप देखिए बायोलॉजिकल सैंपल्स में कंटेंट मेजर कर सकते हैं, किनके कंटेंट, जैसे विटामिन, एल्कलॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, कलरिंग कंपोनेंट्स, इनको एस्टीमेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पोलरोग्राफी।
नेक्स्ट एप्लीकेशन जो इसकी है वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स मीन्स जो ड्रग्स हैं उनके एनालिसिस में हेल्पफुल है पोलेरोग्राफी, जैसे एनाल्जेसिक्स हैं, फिनेसिटीन है, एंटीपायरेटिक्स है, फिनेजोन है, नाइट्रेट सॉल्यूशन इन बफर, इसमें अगर हम इसको लें इन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स को तो इनका एस्टिमेशन किया जा सकता है। ऐसी लोकल एनेस्थेटिक्स हैं जैसे डाइक्लोनिन है, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं हम पोलेरोग्राफी की हेल्प से। सो पोलेरोग्राफी की हेल्प से हम ड्रग्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। आई विल कंक्लूड दिस लेक्चर, अब मैं इसको कंक्लूड कर रही हूँ। इस लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट वोल्टामेट्री। वोल्टामेट्री क्या है, क्योंकि वोल्टामेट्री में हम जनरली करंट को विद रिस्पेक्ट ऑफ पोटेंशियल मेजर करते हैं, और अगर वर्किंग जो इलेक्ट्रोड है अगर वो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड हो तो उस वोल्टामेट्री को हम पोलेरोग्राफी कहते हैं। पोलेरोग्राफी टेक्निक जो है ने इसकी थ्योरी दी थी, और उस थ्योरी में उन्होंने इस के बारे में बताया कि किस तरीके से ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये वर्क करता है, या पोलरोग्राफी में किस तरीके से हम आयंस को एनालाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज कर सकते हैं, पर्टिकुलर एनालाइट को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है जिसको हम पोलरोग्राफ कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे एक इलेक्ट्रोड ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है, दूसरा मर्करी पूल है। ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड का जो सर्फेस एरिया है बहुत कम होता है, तो यहाँ पर छोटे स्मॉल चेंजेस भी हो जाते हैं आसानी से। तो इस ड्रॉप की सरफेस पर जो रिएक्शन होती है, फर्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ दिस द आयंस ऑफ सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट टुवर्ड्स द ड्रॉप, ड्रॉप की ओर को उसका मूवमेंट होगा, देन इट विल फॉर्म द डबल लेयर एंड दिस इज द हॉट्स डबल लेयर। एंड इसके बाद क्या होगा, जो कम अमाउंट में जो हमारे जो सब्सटेंस है जो एनालाइट के आयन है, देन दे डिफ्यूज थ्रू दिस लेयर एंड देन रिड्यूस इन टू देयर मेटल्स, एंड देन दिस रिड्यूस्ड मेटल इट कैन फॉर्म अमलगम विद द मर्करी ड्रॉप। और इससे जो जनरेट होके जो पोलरोग्राम आता है वो करंट वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल कर्व है, और उसमें आप डिफरेंट टाइप की करेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेजिडुअल करंट है जो कि इम्प्योरिटीज या फिर सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, देन दिस इज द डिफ्यूजन करंट, दिस पार्ट इज डिफ्यूजन करंट, एंड डिफ्यूजन करंट इज सोली ड्यू टू द मूवमेंट द डिफ्यूजन ऑफ द एनालाइट। सोली किसकी वजह से है, एनालाइट की वजह से है। और उसके बाद लिमिटिंग करंट है, वो करंट जो कि आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल द मटीरियल देन सम करंट विल बी देयर, दैट इज लिमिटिंग करंट। जो डिफ्यूजन करंट है उसको हम इस इल्कोविक इक्वेशन की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि दिस आई डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द एनालाइट। आपने देखा ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देन द अदर पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर मर्करी पूल दैट वर्क्स एज एनोड, देन सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट हाई अमाउंट में जिसको हम लेते हैं वो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, और जो लो अमाउंट में जिसको हम एनालिसिस करना है वो है एनालाइट। देन आपने देखा हाफ वेव पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द डिफ्यूजन करंट एंड द एवरेज करंट ऑफ फ्लोइंग, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ द एनालाइट। Then you have studied about the different applications of polarography. आपने different applications पढ़ी, जैसे आपने देखा कि inorganic chemistry में metal complexes के composition को पता लगाने के लिए and metal ions के detection में ये helpful है। Then आपने देखा organic compounds के detection में helpful है। Then आपने देखा कि ये dissolved oxygen को भी measure कर सकता है, और ये आपने देखा biological samples में जो contents होते हैं उनको measure कर सकता है। And इसके अलावा आपने देखा कि फार्मास्यूटिकल जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी एनालाइज करने के काम आता है। सो इन दिस वे द पोलरोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एफिशिएंट, वेरी फास्ट टेक्निक व्हिच इज हेल्पफुल इन इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक एनालिसिस। तो पोलरोग्राफी जो है एक ऐसा इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक है जो बहुत फास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्यूरेट है, जिसकी हेल्प से विद इन 30 मिनट्स हमको रिजल्ट मिल जाएगा। एनालाइट का कंसेंट्रेशन वी कैन फाइंड, हमको पता चल जाएगा। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए इसकी एप्लीकेशन आपने देख ली। सो दिस इज ऑल अबाउट पोलरोग्राफी एंड वोल्टामेट्री। थैंक यू वेरी मच।